वेलकम टू लकेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लकेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर है 15। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गारंटेड कह रहा हूं। आज से लेकर जितने भी दो तीन लेक्चर आएंगे इनमें से गारंटेड एक पेपर में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको थर्ड चैप्टर से रिलेटेड। एक चीज फोकस है एकदम वीडियो का, ठीक है, एकदम ओके दिख रहा है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बजरंगबली वन का नाम लेकर। आज बिल्कुल नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं मैं। मैंने तीन मेथड करा चुका हूँ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बड़े अच्छे तरीके से इजी वे में समझाया। जितनी भी वीडियो आपको देखनी लास्ट तक की, अब तक 14 वीडियोस आ चुकी हैं, कृपया करके बस खाली थर्ड चैप्टर के लिए फॉलो कर लो। गारंटेड कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, हर चैप्टर के लिए आप मेरी वीडियो जरूर सर्च करोगे फिर, ठीक है। हर वीडियो में आपको क्लास नंबर डालना है, क्लास का कौन सी क्लास, क्लास 10th डालनी है और भाई विकास लकेरा लिख देना है, आपको क्लास आ जाएगी। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे कोई भी क्लास डाल लो, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। साइंस का लाइव प्रोसेस चला हुआ है, उसको भी देख सकते हो। डन, स्टार्ट करते हैं बजरंगबली वन का नाम लेकर। क्लास आज है 3.6, एक्सरसाइज 3.6 के आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है, या फिर मैं कहूँ तो उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में ही हम करवा देंगे, ठीक है। चलो भाई, 3.6 बोलते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूं मैं आज, और मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। 1/2x + 3y = 2, ठीक। एक क्वेश्चन इसी का ही है, 1/3x + 1/2y = 13/6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। आप इनको किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, बट शर्त ये है स्टूडेंट कि देखो, शर्त ये है स्टूडेंट, शर्त सबसे बड़ी ये है स्टूडेंट कि आप किसी भी एलिमिनेशन, किसी मेथड को यूज करो, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस लगाओ। मैं तो हर क्वेश्चन में अब एलिमिनेशन लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन सारी सिद्धांति क्या है कि अब ये नीचे है, ठीक, अब वेरिएबल नीचे है, डन। अब अगर सपोज करो मैं इसी वेरिएबल वेरिएबल का क्या लेता हूं, एलसीएम लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल इनटू हो जाएंगे, ठीक। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है, रिड्यूस करेंगे। अब देखो, इसको रिड्यूस, एक वर्ड लिखा हुआ था, रिड्यूस करो पहले इसको भाई, रिड्यूस करने पड़ेंगे ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके पास तो। इनको रिड्यूस करना क्यों करना पड़ा, पहले मैं उसका रिप्लाई करूंगा। हर टीचर ने बताता क्यों रिड्यूस करना पड़ा। देखो, अगर सपोज करो मैं एलसीएम लेता हूं इनका, तो एलसीएम क्या होगा, एक्स और वाई इनटू में हो जाएंगे। दो वेरिएबल इनटू में होने के बाद आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। सपोज करो कोई एक वैल्यू जीरो आ गई, तो डेफिनेटली श्योर है दूसरी भी जीरो आएगी, इसको सोल्व नहीं अभी फिलहाल तुम्हारी क्लासेस में नहीं कर सकते, बाकी तो कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे उसमें नहीं कर सकते आप इसको सोल्व, इसलिए इसको रिड्यूस फॉर्म में किया गया। इसका इजी वे बताया गया, वो कैसे वो सुनना। देखो, इस 1/x को मैं ना कोई एक वेरिएबल मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक वेरिएबल मान लेता हूँ। तो तुम 1/x को मैं मान लेता हूँ, सपोज करो u मान लिया मैंने, ठीक है, और 1/y को मैंने मान लिया क्या, 1/y को मैंने मान लिया v, क्या मान लिया v, ठीक। अब देखना एकदम, एक क्वेश्चन में समझ जाना, बाकी आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो, मैं इसको देख रहा हूं, 1/2 × 1/x, ठीक है, ये चीज लिखी है। इसको मैंने क्या लिखा, अभी u लिखा, तो मैं अब इसको रब कर रहा हूं और मैंने यहां पर क्या लिख दिया स्टूडेंट, u लिख दिया, कोई दिक्कत, प्लस 1/y है ये, तो ये क्या जाएगा, मैंने इसको पूरे को क्या माना था, v माना था, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, v, और अपॉन में क्या है, 3। कंफ्यूजन खत्म, कभी भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं करनी है। और इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, 2 चल रहा है। यहां तक बताओ किस किस को समझ में आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट। मैंने क्या किया, इसको नीचे x ना रहे, इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, इस 1/x को कुछ मान लिया, u मान लो या कोई भी वेरिएबल मान लो, बट xy मत मान लेना, या फिर कैपिटल xy मान सकते हो, स्मॉल xy पे वर्क कर रहे हैं हम, कैपिटल मान सकते हो। 1/y को मैंने क्या माना बच्चों, 1/v मान लिया, और इसको अलग से लिख सकता था, मैंने लिख दिया 2 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, कई बार बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने एलसीएम लिया कितना, 6 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। वेरिएबल है कोई नीचे नहीं है, यही काम करना था, रिड्यूस का मतलब यही है। इसके बाद 3u प्लस यहां पर आ जाएगा आपका 2v = 2, ये 6 डिवाइड में है, ठीक है, 6 क्या है, डिवाइड में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, ठीक है, फैन ऑन कर दो। आगे बढ़ते हैं,
देखो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, इसके बाद दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, आगे बढ़ते हैं, इसको अब मैं रिड्यूस करूंगा, तो रिड्यूस क्या करूंगा, 1/3 इंटू 1/x, तो इसको क्या मान सकता हूं मैं, u मान लिया मैंने इसको, ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, u आ गई, प्लस v अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 13/6, इसका एलसीएम मैंने कितना लिया, इसका एलसीएम लिया मैंने स्टूडेंट्स, सपोज करो 6 ले लिया, ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया आपका 2u, और इसको इससे डिवाइड किया तो आपका आ गया 3v, इज इक्वल टू 13/6 चल रहा है, ठीक है, तो 6 से 6 कट गया, 6 को 6 कट कर दिया, ठीक है, 6 से 6 कट कर दिया, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब क्या आ जाएगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, दिस इज द देयर इज टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आ गए अपने हमारे पास, ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, अब सारी चीज को मैं रब कर देता हूं, जो जो मेरे पास चीज रह गई है वो सुन लो, ब्रीफ एक बार और सुन लो, क्या किया मैंने, इस 1/x को मैंने u मान लिया, ठीक है, इस 1/y को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया, और 1/x को मैंने क्या u मान लिया, फिर इसको v मान लिया, ठीक है, एलसीएम क्या सॉल्व कर दिया, अब मैं इसमें लगाता हूं एलिमिनेशन मेथड, बड़े अच्छे से समझाया था स्टूडेंट, ठीक है, यहां पर आ जाएगा, ठीक, अब मुझे इन दोनों में से क्या करना था, एक वेरिएबल को सेम बनाना था, एलिमिनेशन मेथड का मतलब यही था, तो मैं किसको सेम करूं, मैंने क्या करा, ऊपर नीचे 2 से और इसको 3 से कर दिया, तो सेम हो गया, ठीक है, सेम हो गया, इसके बाद इस पूरी ब्रैकेट के साथ 2 इंटू होगा, इधर 3 इंटू होगा, तो मैं अब इंटू कर रहा हूं, देखना मैं यहां पर इंटू करूंगा 2 से, तो कितना आ गया 6, यहां पर किया तो कितना आ गया 4, और यहां पर किया तो 24 आ गया, कितना आ गया 24 आ गया, ऐसे मैंने 3 इंटू किया आगे, तो 3 यहां पर कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 6 आ गया, और यहां पर कितना आ जाएगा, कितना था यहां पर 3 था, है ना 3, तो यहां कितना आ जाएगा 9, और यहां कितना आ जाएगा 39, अब यहां पर क्या आ गया 39, अब मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दी, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये कट हो गया, इसमें से किया तो कितना आ गया यहां पर 5v माइनस का, और यहां किया तो कितना आ गया आपका, यह आ जाएगा आपका 9, आपका ये हो जाएगा आपका 5 और 1, ठीक है, और वो भी किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, और ये कितना आ गया, v की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 3, कितनी आ गई 3 आ गई, लेकिन स्टूडेंट क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें, तो यू वी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखना इस v की वैल्यू मैं इसमें पुट करूं या इसमें पुट करूं, मुझे यहां से u की वैल्यू निकाल लिया है, तो 3u प्लस 2v, ठीक है, मैंने v की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, और 3u ये प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, मैं इसको रब कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा 3u इज इक्वल टू 6, और u की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, हमारे पास आ गई u की वैल्यू 2 आ गई, u की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन ये दोनों वैल्यूज क्या हमारी वैल्यूज है, नहीं, क्योंकि मैंने तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैंने एक्स वाई को मानना क्या था, यू, ठीक है, अब मैं इस यू की जगह 2 पुट कर दूं, अब मैंने इस यू की जगह 1 यहां पर क्या करूं 2 पुट कर दिया, तो क्रॉस करूंगा तो क्या एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी एक्स वैल्यू, ठीक है, डन, क्लियर होगी बात, इसके बाद कैसे आई पता लग गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये इधर चला जाएगा वो उधर चला जाएगा, अब मैं यहां पर 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, दैट्स ऑल, ठीक है, समझ में आया, एक बार ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, उसके बाद बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, देखो सबसे पहली बात, मेरे पास दो इक्वेशन है, रिड्यूस इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखो दो वेरिएबल इनटू हो जाएंगे जिसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हमने क्या किया इसको रिड्यूस कर दिया, इसको मैंने माना u और 1/y को मैंने माना v, ठीक है, इसके बाद मैंने अगर u माना तो इसको मैंने लिख दिया क्या 2u लिखा था, एक इक्वेशन आई थी, फिर यहां पर v अपॉन में 3 लिखा था 2 आया था, फिर यहां पर u अपॉन में 3 v अपॉन में 2, ठीक, इसके बाद इन दोनों को सेम बनाना था, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 3 और 2 से इनटू कर दिया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, यहां से v आ गया, u आ गया, v और u आ गया, इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दी और यहां से x y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और यहां पर क्या कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और क्रॉस से ये x उधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसलिए 1/2 आंसर आ जाएगा, सारी बात क्लियर होगी, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर, ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं,
ठीक है। देखो अब क्या है कि सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, पढ़ाई इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर चल रहा है ये, ठीक है। तो अब क्या करना है इसका, देखो इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, टू अपॉन में रूट के अंदर एक्स प्लस थ्री अपॉन में रूट के अंदर वाई इज इक्वल टू टू, कितना आ गया टू, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फोर अपॉन में रूट के अंदर एक्स माइनस नाइन अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू माइनस वन। देर इज अ टू इक्वेशन स्टूडेंट, इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। कैसे करना है तो देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, अब भी वही सीन है, रिड्यूस करना है। मैं क्या करता हूं, वन अपॉन एक्स को क्या मान लेता हूं, वन अपॉन रूट एक्स को मान लेता हूं मैंने यू, और वन अपॉन रूट वाई को मैंने मान लिया वी, ठीक। रिड्यूस करना है, चलो भाई मैंने माना है इस वाली चीज को, रूट एक्स को माना है, तो रूट एक्स की जगह मैंने यू रख दिया भाई, पूरे अपॉन को माना है ना यू। एक बार समझो अच्छी से, देखो टू इंटू वन बाई रूट एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरी चीज को अगर मैं रब कर दूं, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी जगह क्या माना है यू। अब समझ में आई बात पूरी, क्लियर हो गई एकदम धासु तरीके से, आगे समझ में। अब सुनो, देखो थ्री अपॉन में रूट वाई है, मैंने इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस में थ्री इंटू वन बाई रूट वाई लिख सकता हूं। इसके पूरी की जगह मैंने क्या रखा हुआ है वी, तो मैं इसको क्या कर देता हूं वी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं स्टूडेंट, वी लिख देता हूं, वी लिख दिया इक्वल टू टू। ऐसे ही मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फोर यू माइनस नाइन वी इज इक्वल टू माइनस वन। किस किस को समझ में आई ये बात, आगे समझ में डन। अब क्या करते हैं भाई, मेरे को यहां पर एक एलिमेंट सेम चाहिए, मैं इसको टू से इंटू कर लू, तो मैं टू से इंटू करूंगा अंदर, तो ये कितना हो जाएगा फोर यू। भाई तुम्हें स्टेप लिखने एक एक करके, मैं यहां क्या आरंभ कर रहा हूं ना, जो टू इंटू कर, आपको हर स्टेप में इंक्रीज करना है, समझ में आ गई बात। और ये टू से करूंगा तो कितना आ गया यहाँ पर सिक्स आ जाएगा, और यहां पर करूंगा तो कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आपको ये स्टेप खाने नहीं है, जो मैं रब कर रहा हूं हाथों से वो आपको लिखने हैं, उसके आगे वाले स्टेप में ये स्टेप लिखना है, समझ आ गई। चलो भाई अब मैं इसमें से माइनस कर दूं, माइनस करा तो ये कट गया, इसका किया तो कितना आ गया, इसका किया तो ये हो जाएगा हमारा 15 वी, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5, और वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/3। किस किस को ये बात समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, माइनस माइनस प्लस दिस इज द 15 एंड माइनस माइनस प्लस 1/3 डन, 1/3 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इस v की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 4u प्लस 6 1/3 इज इक्वल टू 4, ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और u की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। किस किस को बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, समझना अच्छे से क्या है। देखो 1/√x को मैंने माना u, 1/√y को मैंने माना v, इन दोनों को मैंने 2u 4, मतलब यहाँ पर 2u आया था, यहाँ पर 3v आया था, और यहाँ पर आया था 2, मैंने इसको सेम बनाने के लिए 2 से इनटू कर दिया, तो 2u plus 6v plus is equal to 4, ऐसे ही 4u minus 9v is equal to minus 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट देखो सबसे पहली बात, ये दोनों चीज आ गई हमारे पास, इन दोनों को अब मुझे वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो मैं u की वैल्यू पुट कर देता हूँ कितनी 1/2, और कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर मैं क्रॉस ना कर मैं दोनों साइड स्केलिंग कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/x, स्केलिंग करूंगा तो रूट से कट जाएगा ना, मैंने बताया था ये कट जाएगा, क्यों कटता है वो भी सुन लो, रूट का मतलब होता है किसी भी चीज की पावर हाफ, और पूरे की पावर क्या चल रही थी 2, तो ये कट जाएगा इससे, इसलिए खाली क्या बच जाता है x बच जाता है, और यहाँ क्या हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो x वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है बात क्लियर होगी। ऐसे ही मैंने यहां पर कितना माना था 1 अपॉन में रूट के अंदर y इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, दोनों साइड स्केलिंग कर दी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है डन। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और इसके हम थर्ड पार्ट करते हैं 20 मिनट की, ये एक्चुअली क्या है ना, अब छोटी छोटी वीडियो बनानी है 20 मिनट की या फिर 15 मिनट की, ठीक है। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और इसका लास्ट पार्ट होगा वो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एक बार, फिर इसको रब कर देते हैं। फैन, 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 फैन।
चलो भाई अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा दो इसको भी भाई। ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में, देख लेना, 2 मार्क्स में कंफर्म मिलेगा। 4x + 3y = 14 और यहां पर है 3x - 4y = 23। मैंने बताया था रिड्यूस इसलिए हमने अपनाया था बिकॉज ऑफ दैट कि एक्स वाई हमारा क्या होता है, इंटू हो रहा था। अब यहां पर देखूं तो मैं खाली 1x की प्रॉब्लम आ रही है, किसकी आ रही है, 1x की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बाकी वाई तो अपना बहुत अच्छा लग रहा है, बट स्टूडेंट एक चीज समझना, अगर मैं आज यहां पर मान लेता हूं तो तुम्हारे को कंफ्यूजन हो जाएगी, क्यों खाली 1x को क्यों माना भाई, यू विद वाई, फिर वाई और यू का खेल खेलेंगे, समझ में कम आएगा। तो मैंने क्या करा, 1/x को क्या माना, फिर वही यू और वाई को सिंपल वी मान लिया, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, वाई वी इक्वल टू हो जाएगा, बात खत्म। अब मैं यहां पर आराम से यू वी को सॉल्व कर सकता हूं, कंफ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं होगी। अच्छा मैं इसको देखता हूं, 1 × 1/x लिख सकता हूं मैं इसको, मैंने इस पूरे की जगह क्या माना था यू, तो मैं यहां पर यू लिख लू, यू प्लस 3y की जगह मैंने क्या माना है, ठीक है, y की जगह मैंने क्या माना है, v इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसके बाद इसको मैं इसको बिल्कुल आराम से 3u - 4y नहीं आएगा, v आएगा, मैंने देखो माना हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आगे बढ़े, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसके अंदर एलिमिनेशन परफेक्ट लग जाए, ठीक। अब भाई भाई ऊपर नीचे फिर वही 3 × 2 से करो, 2 से करो, एलिमिनेशन मत लगाओ इस बार है ना, सब्स्टिट्यूशन लगा लो इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो 4u ना भाई एलिमिनेशन ही लगा लो फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 × 2 कर लो और इसको 4 × 2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको 4 से करो और इसको करो 3 से, ठीक है। तो यहां पर अंदर अंदर इंटू करोगे तो यहां पर 16 आ जाएगा, स्टेप लिखना है आपको ये वाला नेक्स्ट आगे जाके, और यहां पर कितना आ जाएगा 9, फिर इसको इससे करा दो, यहां कितना आ गया 9 और इसको इससे करा दो, अरे यार गलत हो गया, ठीक है बजाओ मत भाई। अब सुनो, 4u 3u + 3v और ये आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गई, अब मैं ऊपर वाले को कर रहा हूं 4 × 4 और नीचे वाले को कर रहा हूं 3 से, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका 16 और यहां पर कितना आ जाएगा 12 और यहां पर कितना आ जाएगा 56, ठीक। इसके बाद इसको करूंगा तो 9 और इसको करूंगा तो 12 और इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 6, डन, ठीक। इसको मैं कर देता हूं रब और ये आ जाएगा हमारा, 1 + 1 - कट गया सिंपल ऐड करने पर, और इन दोनों का ऐड करा तो कितना आ गया 25u और इन दोनों का ऐड करूंगा तो सिंपल ये आ जाएगा 5 और वहां चला जाएगा तो 125, ठीक है। और 5 से कट गए कितना आ गया, u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, और इसको यहां पुट कर लो, तो पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 16 + 12v = 56, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा 80, ठीक, प्लस 12v 56, तो ये कितना आ जाएगा 12v प्लस क्या, तो उधर जाकर माइनस का गलत तो नहीं हो गए, और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 80 वहां पर माइनस हो जाएगा प्लस का 56, कितना आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है, 60 और माइनस का 24, ठीक है, 12v ये कट जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। v की वैल्यू माइनस 2 है और u की वैल्यू 5 है, तो u और v मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस 2, और इसकी क्या चेक कर लेते हैं, 1/x को माना था मैंने u, तो 5, तो क्रॉस करूंगा मैं तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, यही आपकी वैल्यू होगी। तो ये वीडियो आपकी यहीं पर मैं खत्म करता हूं, कल इसका लेक्चर नंबर हम 16 लेके आएंगे, उसके अंदर इसके बाकी बचे हुए पार्ट करेंगे, और फिर एक दिन सेपरेट वीडियो 3 वर्ड्स प्रॉब्लम रह गई है उनको कराएंगे, बड़े अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कराएंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।